छत्तीसगढ़ में ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री का बुलबुला फूट सकता है। टीएस सिंहदेव के समर्थकों को मायूसी हाथ लग सकती है। विपक्ष की अटकलों पर विराम और चर्चाओं का बाजार ठंडा पड़ सकता है। पिछले ढाई साल से प्रदेश के सियासी गलियारे में एक सियासी समझौते की बात अक्सर उठती है कि 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस पहले ढाई साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाएगी, अगले ढाई साल सत्ता की चाबी टीएस सिंहदेव के पास रहेगी। ये ढाई साल 17 जून को पूरे हो रहे हैं। ईटीवी भारत ने जब इस फॉर्मूले की पड़ताल की और सूत्रों से बात की तो ये साफ हो गया कि फिलहाल राज्य में सत्ता परिवर्तन जैसे किसी समीकरण पर कांग्रेस आलाकमान नहीं सोच रहा है। भूपेश बघेल पर पार्टी नेतृत्व का पूरा भरोसा है और उनके पास ही सत्ता रहेगी। मैंने दो दिन पहले भी कहा है, छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत और स्थिर सरकार 70 विधायकों के बहुमत से आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रहा है। अब हाई कमांड का पूरा समर्थन आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ। भूपेश सरकार के ढाई साल पूरे होने के ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। उनका यह दौरा काफी समय बाद हुआ। इस पर भी एक माहौल बन गया कि पुनिया का ये सियासी दौरा भूचाल ला सकता है। राजीव भवन में एक बैठक में शामिल होने पहुंचे भूपेश बघेल से जब पत्रकारों ने इस विषय में बात की और उनसे पूछा कि ये ढाई साल का फॉर्मूला क्या है, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। उसके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, न पिछले 15 साल की उपलब्धि बताने की उनके पास कुछ है, न केंद्र सरकार के 7 सालों की उपलब्धि बताने की उसके पास कुछ नहीं है। तो सक्रिय रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना है, तो कर रहे हैं। इससे पहले पीएल पुनिया ने दो टूक कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब वे यहाँ आते हैं तभी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। भाजपा से कांग्रेस पार्टी के कौन रहे, कितने दिन रहे, इसे क्या लेना देना है। और मैं तो ये सवाल कि यहाँ आता हूँ तो मेरे सामने आता है, मुझे तो नहीं जानकारी है कि इसके बारे में। इन बयानों से तस्वीर तो साफ होती है, लेकिन अटकलें वो कहाँ लगनी बंद होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कब और कैसे इस कथित फॉर्मूले ने जन्म लिया। दरअसल साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बढ़त मिली थी। 15 साल से सत्ता पर काबिज रमन सरकार का सूपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस ने ये चुनाव तत्कालीन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव की अगुवाई में लड़ा था। इस जीत के बाद पार्टी आलाकमान के सामने सत्ता सौंपने की चुनौती खड़ी हो गई। पार्टी के चार बड़े नेता भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू को दिल्ली बुलाया गया। पूरे प्रदेश को चुनावी नतीजे आने के बाद अपने अगले मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार था। जहां छत्तीसगढ़ से बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी आलाकमान को कोई खास दिक्कत नहीं आई, वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर कई दिनों तक माथापच्ची चलती रही। कई नामों पर विचार करते हुए आखिरकार भूपेश बघेल के नाम पर मुहर लगा दी गई। इसी दौरान ही ये बात निकल पड़ी थी कि आलाकमान ने ढाई ढाई साल भूपेश और टीएस सिंहदेव को सत्ता सौंपने का फॉर्मूला निकाला है। कुछ मौकों पर सिंहदेव ने इशारों इशारों में जो कहा, उससे इस ढाई साल वाले सियासी सूत्र को हवा भी मिली। कभी भी किसी बड़े नेता ने इस पर खुलकर बयान नहीं दिया। आशीष तिवारी, ईटीवी भारत, रायपुर।